हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। राष्ट्रवादी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बुधवार को जन्मदिन है। यूं तो हर साल बड़ी धूमधाम से अजीत पवार जी का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वह भी अपना जन्मदिन धूमधाम से लोगों को मनाने से न सिर्फ मना कर रहे हैं, बल्कि उस खर्च को गरीबों में दान करने एवं लोगों की मदद में खर्च करने का आह्वान भी कर रहे हैं। इसी आह्वान के मद्देनजर जलगांव के एनसीपी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भी गैर जरूरती खर्च को रोकते हुए लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। इसी के तहत सभी नेताओं ने एक साथ आकर जलगांव के जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस विभाग एवं अस्पतालों को कोरोना के समय में साफ सफाई में काम आने वाली और वायरस को भगाने वाली सोडियम हाइपोक्लोराइट दवा बांटी गयी। या राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय आमदार अजितदादा पवारसाहेब यांचा वाढदिवस आहे। सर्वप्रथम जिल्ह्याच्या वतीने मी त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने कोविड सेंटर, तहसील कचेरी आणि पोलीस कर्मचारी यांच्या करता जामण्याचे प्रफुल्लभाई लोढा यांच्यातर्फे सॅनिटायझर वापरण्याकरता आणि प्रामुख्याने पोलीस हा घटक या कोविडमध्ये महत्त्वाचा घटक आहे, त्यांचं आरोग्य चांगलं राहावं त्या दृष्टीने सॅनिटायझर वाटप या ठिकाणी केलेलं आहे। आमच्या पक्षाचे नेते माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त आमचे जामनेरचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते प्रफुल्लभाई लोढा यांच्याकडून संपूर्ण जिल्ह्यासाठी जवळपास 750 लिटर सोडियम हायपोक्लोराईड एक जिल्हा प्रशासन व पोलीस प्रशासनाला तसेच शहरातील किंवा तालुक्यातील सगळ्या कोविड सेंटर्सला सॅनिटाईज करण्यासाठी एक यांनी आज आम्ही जिल्हा प्रशासनाला सुपूर्द केले। कोविड सेंटर आणि पोलीस स्टेशन हे जनतेच्या खाली जिथे कोविड पेशंट आहे तिथपर्यंत हे लोक काम करीत आहे, तर त्यांच्या आरोग्यासाठी थोडीफार आमच्यातर्फे मदत व्हावी किंवा त्यांचं आरोग्य चांगलं राहावं म्हणून जिल्ह्यातील सर्व कोविड सेंटर व पोलीस स्टेशन यांना फवारणीसाठी हायड्रोक्लोरोफाइड हे औषध आम्ही आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व भाजपातर्फे आम्ही जिल्हा पोलीस अधीक्षक व कलेक्टर साहेब यांच्याकडे सपूत करीत आहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता कुछ न कुछ इस तरह अक्सर किया ही करते हैं, जिससे वह लोगों के साथ जुड़े नजर आते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। अभिषेक पाटिल स्वयं मैदान में उतरकर व्यापारियों के साथ उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने जलगांव के साफ सफाई में भी अपना श्रमदान किया था। मंगलवार को अजीत पवार के जन्मदिन से पहले जरूरत का सामान जिलाधिकारी कार्यालय, एसपी ऑफिस और अस्पतालों के सुपुर्द किया गया। इस वक्त वहां एनसीपी के रविंद्र भैया पाटिल, अभिषेक पाटिल, जामनेर के प्रशांत लोढ़ा समेत अन्य मान्यवर मौजूद थे। जलगांव से जकी अहमद की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक कुछ नहीं बोलती है, सब एप जिम ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? 12,900 में पूरे साल की मेंबरशिप मिल रही है ना? यस, एप जिम में 12,900 में ईयरली मेंबरशिप पाए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव।